लगाकर विजयी बनाने का काम करे। और मेरे कुछ समाज के सैनी समाज के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, तो आपको भी गुमराह होने की जरूरत नहीं। यही वो भारतीय जनता पार्टी है, मैं सैनी समाज से हूँ, जिसने हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया। महाराजा भगीरथ हमारे सैनी समाज के पूर्वज, जिन्होंने माँ गंगा को इस धरती पर लाने का काम किया। आज से पहले किसी पार्टी ने गंगा आरती करने का काम किया किसी नेता ने? लेकिन वही वो नरेंद्र मोदी है जिसने हमारे महाराजा भगीरथ जी के द्वारा लाई गई माँ गंगा के चरणों में जाके आरती करने का काम करता है, और जापान के अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल होने का काम करते हैं, और हमारे समाज के महापुरुषों का मान बढ़ाया है। भगवान राम की बात करें, राजा शत्रुघ्न से हमारे सूरसेन हुए, सूरसेन से सैनी महाराज हुए, और ऐसे हमारे वंशजों को सम्मान देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज जिले में अंदर डॉक्टर महेंद्र सैनी जी हमारे, आदरणीय जसवंत सैनी जी हमारे समाज से, तो वो भी तो हमारे सैनी समाज से है। कुछ लोग गुमराह करेंगे तो अब मेरे समाज के सैनी भाइयों से निवेदन है कि वोट खराब मत करना। 1% अगर कोई भाई बहन भी गया, आएंगे तो योगी जी ही, जानते हो, आएंगे तो योगी जी ही। फिर क्या करोगे? अगर गलती से दे भी दिया तो सुनने को मिलेगा मेरी तो सरकार ही नहीं। तो मित्रों, इसलिए आप अपना वोट खराब मत करना। और अब मैं भी एक ध्यान दिला दूं, 2017 की बात, गुज्जर समाज से उस समय भी एक प्रत्याशी हुए थे नवीन चौधरी जी, लेकिन गुज्जर समाज ने योगी और मोदी जी और मंत्री जी के सम्मान में सैनी समाज को वोट देने का काम किया था। इसलिए मेरे समाज के नौजवान बुजुर्गों, अब वक्त आ गया है 2022 का, तो क्यों ना हम अपना कर्ज उतारे और आदरणीय मुकेश चौधरी जी को अपना कीमती वोट देने का काम करें। इसी निवेदन के और आशा और अपेक्षा के साथ निवेदन करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।